नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 2 जून 1995, ये तारीख राजनीतिक इतिहास में कोई नहीं भूल सकता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो कभी इस दिन को भूल ही नहीं पाएगी। ये एक ऐसी तारीख थी जिससे दोनों दलों यानी सपा और बसपा को कट्टर दुश्मन बना दिया। लेकिन राजनीति में दुश्मनी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती। कब किसको किसके साथ की जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसका जिक्र भी हाल ही में खुद मायावती ने भी किया था। आज मैं 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये आप सब सोच भी रहे होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके सियासी हलचल मचा दिया है। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन 2019 में जो बुआ भतीजे साथ थे वो इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। बता दें कि जब से अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती के भरोसे की बात की, तो उसके बाद से मायावती ने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच आरोपों का दौर जारी है। वही अब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है और तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के साथ साथ दलित विरोधी पार्टी है। यही नहीं, मायावती ने समाजवादी पार्टी से अपनी जान को खतरा भी बताया। यानी मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मायावती को समाजवादी पार्टी से डर लग रहा है, उन्होंने अपनी जान को खतरा तक बता दिया है और यूपी सरकार से सुरक्षा की मांग भी कर डाली है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है मायावती ने वो आपको हम बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मायावती ने ट्वीट किया कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने इनके पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। और दूसरा ट्वीट किया, उसमें लिखा, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कर्तव्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही चौथा ट्वीट मायावती ने किया, उसमें लिखा कि इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ा, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की भी यही मांग है। तो मायावती के इन हमलों से सियासी पारा हाई हो गया है और अब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी आ रहे हैं। दोनों के बीच दुश्मनी कोई वैसे नई नहीं है, वो बात अलग है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में जब से अलग हुए उसके बाद से दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी हाल ही में जब से अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती के ऊपर भरोसा न होने की बात कही, तब से मामला ज्यादा बढ़ गया और वो बात मायावती को चुभ गई। अखिलेश यादव ने बलिया में क्या कुछ कहा था वो आप सुनिए। है तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर, आपके सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुलबा वहाँ मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे वही बात है। सर राम से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच
और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। तो अखिलेश यादव को सुना आपने, शुरुआत अखिलेश के इसी बयान से हुई, उसके बाद से मायावती ने हमला बोलना शुरू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के ये दो अहम सियासी किरदार मायावती और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच जुबानी जंग कैसे हो रही ये भी आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव जहां एक तरफ विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं मायावती पलटवार करते हुए उन्हें गिरफ्तार में झांकने की नसीहत दे रही। इससे अब ये तो साफ हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने के चांसेस कम है जब तक समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दल बसपा को शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सपा और आरएलडी नहीं चाहते कि बसपा गठबंधन का हिस्सा हो। अब जरा उस गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र कर लेते हैं जिसका जिक्र मायावती ने किया है, और मायावती ने एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा छेड़ दिया है। दरअसल 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वह शायद ही कहीं हुआ होगा। मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। कहा जाता है कि दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। काशीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर के नेता मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दोनों दलों के बीच दुश्मनी की शुरुआत वहीं से होने लगी, लेकिन बीच में दोनों दल साथ तो आए लेकिन ज्यादा दिनों तक वो साथ नहीं रह पाए। अब एक बार फिर सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मायावती किसके साथ जाएंगी। तो अब जिस तरीके से ये मामला ज्यादा बड़ा है और दोनों नेताओं के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसके बाद से अब लोगों के मन में तमाम सवाल भी आ रहे हैं कि मायावती का रुख अब क्या होगा, मायावती का स्टैंड अब क्या होगा, मायावती किसके साथ जाना चाहेंगी, क्या मायावती एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो ये तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए फोर न्यूज़।